तो आइए इस रोमांच और चुनौती से भरे सफर की शुरुआत करें। बर्थडे का केक सिर्फ ये उठा के लेके जाऊंगा और हम उसको भी सरप्राइज देने वाले हैं। उसे नहीं है पता और बजने वाले हैं 12। आज है हमारा नैनीताल में दूसरा दिन और आज हम सारे व्यू पॉइंट्स देखने वाले हैं, जैसे टिफिन टॉप, स्नो व्यू पॉइंट और लवर्स पॉइंट, ये सारे पॉइंट देखने वाले हैं। उसके लिए हमने पूरे दिन के लिए टैक्सी बुक की है जो हमें पड़ी है 3000 में, हमने बहुत बार्गेनिंग की। तो अभी हम बस निकलने वाले हैं, सब तैयार हो गए। ये बर्थडे गर्ल, इसका बर्थडे है, यू लुक ब्यूटीफुल, बर्थडे टू यू, दीपिका बड़ा थोड़ी सी वीडियो मारी। हम दोनों वहाँ बैठे जा रहे हैं, सारे व्यू पॉइंट देखने। चलो गाड़ी आ गई, गाड़ी आ गई, गाड़ी आ गई, बाय। ये चलिए चलते हैं, हम आपको आज के सारे व्यू पॉइंट दिखाने वाले हैं, बाद में दिखा देना। ये हमने बैठ गए हैं और हम जा रहे हैं सारे व्यू पॉइंट देखने। मजे मानेंगे आज पूरा दिन। यस यस, ये रही मैं अनीता और ये रही बर्थडे गर्ल, ये रही बर्थडे गर्ल। यही तो नहीं देखा। हेलो गाइस, हम लोग आ गए हैं केव गार्डन। ये देखिए, ये है और इसकी टिकट है अडल्ट की 100, चाइल्ड की है 60। तो अभी देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। भैया इसके अंदर क्या है? हाँ गुफाएं तो देखने को बोल रहे थे वो। चलिए देखते हैं यहाँ की गुफाएं। ये टिकट्स ले लिए हमने, ये बर्थडे गर्ल। चलिए केव गार्डन दिखाइए हमें। चलिए अपने अपने टिकट ले ले, चलो पानी की बोतल ले ली, पानी बोतल ले ली, पानी बोतल ले ली, बोलो उसी में रहेगी। चलो कोई नहीं, ये लो भैया, देखो एक साइड भैया। ये देखिए अलग सा है, ये आइए केव गार्डन में स्वागत है आपका। नाइस प्लेस है, गुफा टाइप। गार्डन में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ के ऊपर खाबड़ रास्तों से चलते हुए आप छह अलग अलग प्राकृतिक साकिन्या गुफाओं का आनंद ले सकते हैं। यही नहीं, यहाँ हर गुफा में अलग अलग जानवर तथा पक्षी आपके स्वागत के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो
आइए इस रोमांच और चुनौती से भरे सफर की शुरुआत करें। भैया कितनी गुफा है इसमें? 6 केव्स। कहाँ से? यहाँ से फॉलो करिएगा। ठीक है, यहाँ पे 6 केव्स है गाइस, और हम देखेंगे सारी सारी की सारी केव्स। ये है वे टू केव। चलिए, ये है फर्स्ट केव हमारी, टाइगर केव। आपको आवाज आ रही होगी। चलो ना नीचे चल गए। ये देखिए, ये टाइगर की केव है। स्पीकर में से आ रही है। नहीं है, नहीं है, ऐसे इधर से आवाज आ रही है, जस्ट वो थोड़ा फील देने के लिए। ओ, ये बहुत ही ज्यादा कंजेस्टेड है, तो भीड़ है। बी केयरफुल गाइस, है तो केव में तो चलेंगे। आ जा, ध्यान से, सब भीड़ है यार, क्या करेंगे, बाहर तो निकलने। अरे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। घोड़ी जय माता दी, जय माता दी। एक चक्कर लगा था नया खींचने वाले होते हैं। साची दरबार की जय। चलो चलो चलो, ये देखिए पूरा केव भाई साहब। ये पहली केव है जिसमें हम घुसे हैं, टाइगर केव। बहुत ही एक्साइटेड है, बहुत ठंडा लग रहा है एसी। बहुत एक्साइटेड है सबके साथ। अच्छा लग रहा है, एसी नहीं लग रहा, ये कुदरत का, ये नेचुरल है भाई, भगवान है। इतनी मस्त गुफा है ये टाइगर केव। एवरीवन इज टेकिंग एंजॉय। अंदर आइए गाइस, हम आपको इस गुफा के बाहर लेके चलेंगे। इधर से देख, बहुत प्यारी बनी हुई है, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से देख सकते हैं। सोनी का बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। ओहो, गुफा के अंदर जितना जितना ज्यादा, मतलब हम इसको अंदर जाते जा रहे हैं, उतना एक्सप्लोर करने में मजा आ रहा है। ठीक है, वो बाहर निकलने का रास्ता। चलो हम बाहर निकलते हैं, अब बाहर मिलते हैं गाइस, बाय। ये देखिए पैंथर केव, यहाँ से एग्जिट का रास्ता है टाइगर केव के बाद। हम तो पैंथर केव में भी जाएंगे। ये देखो कितना बड़े डीप में बना हुआ है। एंड चेक दिस, पैंथर केव में जाते हुए सब देखो कितनी नैरो है। लाइट नहीं हो तो यस। हाँ हाँ, चलो चलो आगे। यहाँ पे थोड़ा ये बहुत ज्यादा नैरो आ गई है गुफा, और अंधेरा भी बहुत है। यहाँ से अनिता डर के चली गई है, मेरी मम्मी को मैंने साथ भेज दिया है क्योंकि उसको सफोकेशन हो रही थी। देखो थोड़ा अंधेरा है इधर, गुफा सच्ची में बहुत नैरो है, पीछे लोग आ रहे हैं, बहुत ज्यादा कंजेस्टेड है गुफा। कुछ देखो आगे आगे खुला, आगे आ जाओ, थोड़ा डरो मत, डरो मत, थोड़ा ही था यार, डर गई बेकार में। आ जाओ, आ जाओ, देखो भाई डरने की बात नहीं, आ जाओ। थोड़ा सा ही था, कर गए बच्चे खुश है। ये आंटी जी, हाँ भैया ऐसे ही जुला दो इनका। थोड़ा तो होना चाहिए। गिर गया। गाइस हमने व्यू पॉइंट पे चलेंगे, टाइगर केव, पैंथर केव देख लिया, अब हम ये सारी बच्ची भी केव्स देखने जा रहे हैं। चलो चलो चलो, पूरा टाइम है हमारा।
हम आज ट्रैकिंग भी करने वाले हैं गाइस टिपिन पॉइंट पे, तो आप बने रहना हमारे साथ। वुमन टू गर्ल्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कौन सी गिफ्टी? मैं तो चलो हटो। अरे भैया जरा सी के में आ जाओ। एक ही नहीं होता तो कैसे करना होगा ये? अरे वाओ आ जाओ बस खत्म। अरे मजाक करती हूँ मैं तुम्हारा हौसला बढ़ाती हूँ यार। देखो यहाँ पे सांप वाप निकल जाता है उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी। ठीक है भाई के बहुत मस्त है भाई। आई थिंक ये आगे बैट्स के आगे ये खत्म हो गई बस। हाँ शेर ही मिल गया हमें तो अब तो फाइनली। कब से ढूंढ रहे थे बैट्स के अच्छी है। चलो भाई ये आगे बैट्स के चलो यार आज वो बहुत नैरो बनवा रखी है। वाओ आप रास्ता देखो यार। आई डोंट थिंक सो आई कैन मेक वीडियो देयर। मेरे को रखना पड़ेगा अंदर यहाँ से शायद मुश्किल है। थोड़ा नैरो है चलना है। बहुत मस्त है लेकिन रास्ता देखो मेरी आप रास्ता बहुत मस्त है यार। नैरो बना रखी है बहुत मजा आ रहा है। आना चाहिए 100 रुपए की टिकट है। नैरो मैं ये देखो ये एक और रास्ता भी आगे ऊपर जा रहा है। ये है बैट्स केव। पागल यार देखो कितनी मस्त है ये पूरा केव का एरिया। ये बैट्स केव थी सही में यार बहुत नैरो थी। सबसे ज्यादा नैरो यही लगी। ये पूरा फ्रॉम द केव शुक्र करो जानवर नहीं है। चलो फ्लाइंग केव देखते हो पीछे वाली बैट्स थी। ये होगी हवा में। नाइस वेरी नाइस इप्स गिफ्ट्स। चलो चलो आ जाओ देखो वेव्स की भाई। ओहो वाओ नाइस वेरी नाइस सही है इजी है खत्म। ये देखो भाई वेव्स के पूरा केव्स का नजारा। एग्जिट आगे खत्म और हम अंदर केव से। गाइस देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा एडवेंचर हो रहा है छोटा सा। 60 रुपीज यहाँ पे अगर कोई भी एडवेंचर करते हो तो कर सकते हो। ये है जिप लाइन वहाँ तक जाती है। रेडी हो चुके हैं बेल्ट वेल्ट बांध के। ये चारों लाइन में लगे हुए हैं ये और पीछे तुलसी भी है। सब जाएंगे इस रोप पे करेंगे।
स्टॉप कर दिया है हिमालय दर्शन पे। अभी यहाँ से ये चीज़ें हैं, देख लीजिए, ये हमारी गाड़ी। अब हम सारे जा रहे हैं सत्यनारायण मंदिर के दर्शन करने, फिर उसके बाद हम हिमालय दर्शन करेंगे। श्री भगवान सत्यनारायण भगवान जी का मंदिर है ये। यहाँ पे ये हिमालय व्यू पॉइंट है, उसके जस्ट 100 से 150 मीटर की दूरी पे है। आप चाहो तो देख सकते हो कि यहाँ से इसके का व्यू है। देखते ऊपर मंदिर हो गया है बंद, कर रहा है दर्शन सत्यनारायण मंदिर जो कि बंद है। ये देखिए मैंगो लेक व्यू पॉइंट है, जहाँ से जो लेक है वो मैंगो की शेप में दिखती है, आपको दिख रही होगी। नाइस। तो अभी तक कितने पॉइंट्स देख लिए हमने? चौथाई। कौन कौन से देखे बताओ? सबसे पहले देखा था केव, दूसरा सुदर्शन मंदिर, सॉरी सुदर्शन मंदिर नहीं, सत्यनारायण मंदिर, तीसरा अभी हिमालय गाइस। ये है सूखा ताल, क्योंकि ये सूख चुका है। ये सूखा क्यों है? इस पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। हाँ देखिए मैम, ये सूखा ताल सूख कैसे गया? लग गई। अच्छा अच्छा, कोई पापे ना ले आएगा, सूख गई। ये है एसी वाला प्लेस, क्या है 12 पत्थर और हम चढ़ गए ऊपर। एक मिनट, ये देखो अंदर का नीचे का दिख रहा है आपको गुफा? ये देखिए इस टाइप की गुफा है, ये 12 पत्थर है। ऐसे यहाँ से ठंडी हवा आती है, सब के सब यहाँ पे भीड़ लगा रखे। देखो लोग है, ये देखिए भाई 12 पत्थर की ये एसी वाली गुफा। सच में एसी फेल है, पता नहीं कितने टेम्परेचर पे है। होना भी चाहिए था टेम्परेचर चेक करने वाला। इतनी देते एसी भी नहीं देती। अब ये हवा का क्या रीजन है, किसको पता क्या रीजन है कि इतनी ठंडी? पहली बार आया मैं, इतनी ठंडी हवा आ रही है, बहुत ठंडा है। ये कुदरत का करिश्मा है, करिश्मा। Nature is beautiful. Yes. बहुत अच्छा है। Beautiful nature, beautiful nature. Guys, ये देखिए कितना beautiful view है। ये बोलो क्यों चढ़ी मेरे को? ये है खुरपा ताल लेक। खुरपा ताल लेक, beautiful. Seriously, it's worth it. हेलो गाइस, हम अब आ गए हैं लवर्स और सुसाइड पॉइंट पे, चलते हैं देखते हैं। ये है लवर्स पॉइंट जो कि कुछ खास नहीं लग रहा। ऐसे शुरू होती है जो तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर बता रहे हैं, 5 किलोमीटर टिफिन टॉप लिखा है, एक और टॉप बता रहे हैं। ठीक है, देखते हैं टिफिन टॉप में ही नहीं, यहाँ पर घोड़े भी जाते हैं यहाँ से जो कि 810 रुपये मिल जाएंगे आपको। चलो चलते हैं, ट्रैकिंग अभी तो स्टार्टिंग ही है, आगे रास्ता देखते हैं कैसा होगा। हेलो गाइस, ये हो गई हमारी ट्रैकिंग शुरू। बोलो कुछ, पैदल ही जा रहे हैं टिफिन टॉप तक। मम्मी भी जा रही है पैदल ही।
चलो देखते हैं अभी तो हमें जोश है। हाँ ये तो हमारी पैदल की सवारी है। जल्दी आओ जल्दी। हेलो, आई लव यू। ट्रैकिंग अराउंड 2 से कम ही है शायद, 1.5 अराउंड रही पहुंचने वाले हैं। मजा आ रहा है। बट ये है टिप्पणी पार्क का चिल्ड्रन पार्क है ऊपर, टिप्पणी ट्रैक कर रहे हैं हम इसमें, छोटा सा पार्क है जहाँ पे आप थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं बच्चों के साथ। और ये पूरी ट्रैकिंग चल रही है अभी भी, थोड़ा सा ही रह गया 100 से 200 मीटर अराउंड। चलो चलते हैं। चलो भैया पहुँच गए हम टिफिन पॉइंट। ओ सामने बंदे खड़े हैं, उधर पहुँचेंगे हम। दीप कहाँ है? ये रहा वो ऊपर जाके। पहुंच गए हम टिफिन पॉइंट, वो रहा ऊपर। Finally guys, finished. पैदल वो भी, मम्मी को एक पैदल पहुंचाया। घंटे में guys पूरा रास्ता पैदल कर तो लिया वैसे, घंटे लेकिन हमने कुछ शॉर्टकट्स भी यूज किए हैं तो आप वो यूज करके जल्दी आ सकते हैं ऊपर। लाइक जैसे ये ऐसा रास्ता जा रहा है ना, सीधी यूज ना करके तो डायरेक्ट ऐसे जा सकते हो। इस तरह सनसेट भी देखेंगे यहां का। ठीक है चलो आ जाओ। गाइस हम पहुंच गए हैं पॉइंट एंड बहुत ही सुंदर नजारा है यहाँ से, सब मजे ले रहे हैं। मम्मी कैसा लग रहा है? अच्छा। आप तो सही लग रहा है, थकान निकली है। देखो पीछे का व्यू देखो और इनको देखो, बहुत उत्साह भरे ये। देखा मम्मी, व्यू ही ऐसा है, व्यू देखिए आप। देखो शूट कर लो। ये नैनी लेक वो सामने है, ये देखो ये टिफिन पूरा व्यू है। ये देखो भैया हवा कहीं चल रही है। नीचे उतरो, नीचे उतरो। बहुत ही बेहतर नजारा, सबके सब बड़े उत्साह से। थोड़ी बहुत हो जाती कोई बात नहीं, मस्ती भी होती है, लड़ाई भी होती है, सब होता है, प्यार भी होता है ना। ये हमारी सेक्सी लड़की है जो बहुत अच्छा डांस करती है, ये बहुत अच्छा डांस करती है, बहुत अच्छा। कौन सा डांस करते तुमने? कौन सा? अमीचे तुम्हार। इसकी वीडियो हम डालेंगे। हम टिफनी पॉइंट के यहाँ पर चाय और ये सब बैठे हुए चाय पी रहे हैं, मसाला वाली चाय कॉफी। और वो सामने जू जू है, ये जू दिख रहा है, बोरा जू, वो है जू नैनीताल का। होगी एंडिंग। और देखो सब की हालत हम दोबारा चढ़ के दोबारा आ सकते हैं, हम जा सकते हैं, हम यंग है। यंग है, यंग। ये मस्त रास्ता, हमने सीधे मस्जिद का रास्ता लिया उतर के, क्योंकि हमारा जो होटल है वहीं पे है। ठीक है ये आ गया देखो सीधी। हेलो गाइस, फाइनली हमने अपनी ट्रैकिंग कंप्लीट कर ली। मैं अभी बैठ गया। ये हम रोड पे बैठ गए, देखिए हम इतने थक चुके हैं, हम रोड पे बैठ गए, हम रोडपति हो गए हैं, रोडपति करोड़पति से रोड। हमने शुरू की थी ट्रैकिंग 4:30 बजे, नहीं हम करोड़पति रहेंगे और अब बज रहे हैं 7। हमने बहुत जल्दी कर लिया, अब हम नीचे भी उतर गए, देखिए कितने थके ले हम, लेकिन मजा आया। कैसा लगा गाइस? एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। टिपिंग पॉइंट सच्ची में एक देखने लायक जगह है, आपको जाना चाहिए अगर आप सो ब्यूटीफुल तो। पर रात को मत जाना, यहाँ बहुत ज्यादा डर है, अंधेरा है, मतलब लाइट नहीं लगी है यहाँ पे जंगल में। अभी लगवाते लाइट, लगवाएंगे बोल के लाइट को बोलेंगे तो बाइक आ गई। तो अब हम अपने होटल जा रहे हैं, हम थोड़ा रेस्ट करेंगे, खाना वाना खाएंगे, फिर कल वापस से दिल्ली चले जाएंगे एज यूजुअल। आज का हो गया हमारा, आज की मौज है, आज की है, वो भी एक रात है। हाँ। उसके बाद सुबह चले जाएंगे। रात ही अकेली है, भूच गए दिए। तो गाइस ऐसे ही आप हमारी वीडियोस देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल।
मिलते हैं फिर अलग से एक अनोखे सफर पे। बाय बाय। मेरे को मिला फिर मैं आखिरी में मैं भी तुम्हें कुछ ये दीदी बाय लाइक शेयर सब्सक्राइब दे बुलवा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सब्सक्राइब करते रहिए। मुझे बोलना नहीं आता लेकिन दोबारा बोलो दोबारा बोलो दोबारा शुरू होगा ऐसे करते हैं लाइक लाइक कर लाइक सारे लाइक हैप्पी बर्थडे टू यू। तुम्हारी वजह से हम आए इतनी दूर। थैंक यू सो मच। बाय गाइस। बाय मजा आया। लव यू। बाय गाइस।